सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट 1200 मैन इन अ कैंप हैड इनफ मनी फॉर 20 डेज. तो मैं ऐसे लिखूंगा 20 दिन बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड यू हैव टू डू 20 डेज फूड चल रहा है ठीक है व्हेन देर आर 2000 मैन. ठीक है इनडायरेक्ट यहाँ पर वेरिएशन है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा. ओके 20 डेज खाना पहुँच रहा है ठीक है जब 2000 आदमी उसे कंज्यूम कर रहे हैं उस खाने को. अब वही खाना अगर ज़्यादा दिन पहुँच रहा है 25 डेज कब पहुँचेगा वो खाना ज़्यादा जब आदमी कम हो जाएंगे. ठीक है आप इसका एक छोटा सा एग्जाम ठीक है सपोज अगर घर पे मम्मी ने अगर सपोज एक पूरी कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाया ठीक है इट्स माय फेवरेट. तो मम्मी ने अगर गाजर का हलवा बनाया है तो अगर गाजर का हलवा खाने वाले 5 हैं ठीक है तो वो गाजर का हलवा सपोज 5 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है जब 5 खा रहे हैं. सोचो कि अब 10 आगे खाने के लिए तो वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट में 2 मिनट में 1 मिनट में ठीक है ओके या 2.5 मिनट में अगर हम देखें मैथमेटिकली तो. और अगर लोग बढ़ गए तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा. अब यहाँ पर खाना देर से ख़त्म हो रहा है 25 दिन ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 लोग थे तो 5 मिनट में गाजर का हलवा खा रहे थे. अगर एक ही होता था कोई आदमी तो डेफिनेटली वो 5 मिनट से तो ज़्यादा लेता ठीक है. तो वैसे ही जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ रहे हैं मतलब टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है कंजम्पशन का इसका मतलब लोग घट रहे हैं ठीक है. तो यहाँ पर इसलिए यूनिटरी मेथड में लेस आएगा दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब फिर से अगर किसी को यूनिटरी मेथड नहीं मालूम तो वो पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे मैंने बहुत अच्छे से बताया बाई यूजिंग. और मैंने एक वीडियो बनाई है स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी जब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने बनाई थी यूनिटरी मेथड कवर्स 20% ऑफ द सिलेबस ठीक है. सो बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड ठीक है हम कितने हैं तो 80 टाइम्स 2000 से 1600 आदमी हो जाएंगे तो खाना 25 दिन पहुँचेगा तो वही बात हो रही है कि अब वो खाना 25 दिन पहुँच रहा है क्योंकि कुछ लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं दूसरे कैंप में. तो कितने लोग ट्रांसफ़र होंगे दूसरे कैंप में 2000 जब 1600 बचे हैं तो जो मैन ट्रांसफर्ड हुए होंगे वो कितने होंगे मैन वर ट्रांसफर्ड दैट विल बी 2000 माइनस 1600 दैट विल बी 400. बहुत अच्छे ठीक है.